बैतूल में लोकसभा चुनाव अब तीसवें चरण में 7 मई को होगा। चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है और नए शेड्यूल के मुताबिक बसपा उम्मीदवार 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दरअसल बैतूल से बसपा के प्रत्याशी अशोक भलावी का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। भलावी के निधन के बाद बैतूल कलेक्टर नवेंद्र सूर्यवंशी ने रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी थी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी थी। इसके बाद नई तारीख तय की गई। पहले यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। भलावी बैतूल जनपद के सदस्य रह चुके हैं और पिछला लोकसभा चुनाव भी बसपा के टिकट पर लड़ा था। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बैतूल से संवाददाता राजेश पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश, जिस तरीके से बैतूल में बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद तारीखों में बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे और अब 7 मई को दोबारा से बैतूल में मतदान होंगे और जो नामांकन की प्रक्रिया है उसके लिए भी तारीखें बताई गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? जी, ये मंगलवार के दिन जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी जी है उनका आकस्मिक निधन हो गया है। हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी ने अवगत करा दिया है मतदान आयोग को और उन्होंने बताया है कि जो आगामी जो निर्देश उनसे प्राप्त होंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बता दें कि बैतूल में बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाएगा, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने नई तारीखों का ऐलान किया है। बता दें कि बैतूल में पहले दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान किए जाने थे लेकिन अब 7 मई को बैतूल में चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। बता दें कि नामांकन के लिए भी नई तारीखों का ऐलान किया गया है और चुनाव के मद्देनजर बैतूल में अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।